रसूखदार पूर्व सांसद व मेयर हाजी शाहिद अखलाक के परिवार का एक मामला सामने आया है। उनके घर में 4 साल से नौकरानी का काम करने वाली महिला साजिदा ने शाहिद अखलाक के बेटे शोएब अखलाक पर संगीन आरोप लगाया है। शाहिद अखलाक के घर में 4 वर्षों से नौकरानी की सेवा दे रही महिला साजिदा ने आरोप लगाया कि मैं और मेरी बेटी महजबी पूर्व सांसद व मेयर शाहिद अखलाक के घर पे चौका बर्तन करती है। पूर्व सांसद शाहिद अखलाक का बेटा शोएब साजिदा की बेटी महजबी से गंदी घिनौनी हरकत करता है और बोलता है कि मेरे से 5,000 रुपए ले और मेरे साथ हम बिस्तर होने का दबाव बनाता है। जब इन सब बातों का विरोध साजिदा और महजबी ने किया और शोएब की शिकायत पूर्व सांसद हाजी शाहिद अखलाक से की तो शाहिद ने अपनी ही नौकरानी को धमकाना शुरू कर दिया और दोनों माँ बेटी पर 5,00,000 रुपए चुराने का आरोप लगाकर झूठा फंसाने का दबाव बनाने लगे। आज साजिदा और महजबी अपने वकील के साथ SSP कार्यालय पहुँच लिखित में शिकायत दी है। योगीराज में हो रहे महिलाओं पर अत्याचार की भी शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी दर्ज कराई है। हमारी और ये कि शायद शोएब अखलाक जो है कोतवाली क्षेत्र में रहते हैं और इनके जो इनके फादर का नाम शाहिद अखलाक है तो मेयर थे पूरे उसमें, तो इस मामले में यहाँ थी कि इनकी लड़की के साथ जो इनके घर पर काम करती थी गरीबी दवाएँ बेचारी है, तो इनकी लड़की और ये काम करती थी उनके यहाँ पर, तो उसके साथ 19 तारीख को शोएब ने जो है कि इनकी लड़की के साथ बदतमीजी गुप्तांगों को छेड़ा गया, तो 19 तारीख की शाम को उन्होंने अपनी मम्मी को बात बताई सारी, तो 20 तारीख को ये लोग इनके पास गए तो ये कह रहे हैं, तो शोएब अखलाक ने बताया कि मतलब कि तुम्हारी लड़की हमारे घर से 5,00,000 रुपये चुरा के ले गई है, और जबकि इस तरीके की कोई घटना हुई नहीं है क्योंकि CCTV कैमरे लगे हुए हैं वहाँ पर सारे, तो वहाँ से चेकिंग करा ले। तो फिर मैंने DM साहब को SSP साहब को आदित्यनाथ योगी को एक एक घर में काम करने वाली ने उनको ही बेटे के ऊपर एक आरोप लगा है कि उनका बेटा उनका छेड़खानी करता है और उन्हें लगातार परेशान करता है। हम बात करेंगे उन लड़की से, वो हमारे पास आके बैठी है। क्या नाम आपका? मैं सभी क्या बात हुई आपके यहाँ पर? आप शाहिद अखलाक के यहाँ पे काम करती हैं, आपको क्या परेशानी हुई? तारीख की शाम को मैं पोछा लगाई थी, उन्होंने रात उनका एक रात के लिए मेरे पास आ जाए। किन्ने बोला आप? भाई ने। शोएब कौन है? शोएब ये वो हाई शाहिद का लड़का है। अच्छा, हाई शाहिद का लड़का है। फिर आपने ये बात किसे बताई? मैंने गाली बक के भगाते तो मम्मी के पास आई थी। मैंने कहा मम्मी सुबह को काम पे नहीं जाने की, फांसी लगा के मर जाऊंगी, तो भी कह रहे थे 4,00,000 की चोरी का नाम लगा लेंगे। अच्छा, 4,00,000 चोरी का इल्जाम लगा लेंगे। अब क्या हो रहा है? अब आपको क्या वो परेशान कर रहे हैं? धमकी आ रही है आपके पास? किस तरह धमकी दे रहे हैं? तो जेल करवा दूंगा। किस माध्यम से धमकी आ रही है आपको? फोन कर रहे हैं, लोग भेज रहे हैं? लोग भी भेज रहे हैं, फोन भी कर रहे हैं। अच्छा, और उठवा रहे हैं तो उठवा दूंगा आज चुपचाप से। अच्छा, अपने में ये दबंग कहे जाने वाला शाहिद अखलाक परिवार इस तरह से लोगों को धमकी दे रहा है और जो उन्हें घर से उठाने की धमकी दे रहा है। अब हम बात करेंगे उनकी जो पीड़ित है उनकी मम्मी से। क्या नाम है आपका? साजिदा। साजिदा जी, क्या हुआ आपकी बेटी के साथ? मेरी बेटी को 19 तारीख से 7:30 बजे मेरी बेटी ने बताया शोएब भाई मेरे से ऐसे ऐसे कर रहे थे बदतमीजी, मैं उनको धक्का देख के गाली गलौज करके आ गई, मैं सुबह को काम पे नहीं जाऊंगी और अगर तुमने जबरदस्ती लेके गई तो मेरे भाई ने जैसे भाई मारा फांसी लगा के ऐसे नहीं मर जाऊंगी। मैंने मना कर दिया, मैं चली गई काम पर 20 तारीख को। तो 20 तारीख के 11:30 बजे बोलते हैं शाहिद अखलाक शोएब कि तुम्हारी लड़की 4,00,000 रुपये ले गई महजबी और मैं उसको 4 साल की सजा कराऊंगा, थाने में 50,000 भर दूंगा। हमारे पुलिस वाले कुछ नहीं बिगाड़ सकते, सब अधिकारी हमारे खरीदे हैं, हम पे पैसा बहुत है, हम पैसा फेंकते हैं, तमाशा देखते हैं। इधर कामिल बोल रहा है, इधर हसीबा बोल रही, इधर हीबा बोल रही, मुझे अकेली को चिपटे पड़े, मैं भी ला लड़की को, मैं डर के मारे कह गई कि मैं लड़की ला रही, मैं नहीं लेके गई। तो फिर सुबह उन्होंने अपना अधिकारी भेजे अकरम शाह के पास, अकरम शाह ने हमें भेजा, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पे भेज रहे थे, हम जा रहे हम चले गए, तो हमें धमकी दे रहा है। हम दोनों को ऑफिस में रखा उन्होंने, चार और हमारी बहन वहन गई थी हमारे साथ, तो हमें रोई अकरम शाह से कि हमें वापसी बुलाओ, तो उन्होंने बुला दिया हमें। फिर कल आए हुए, कल हमारे घर की तलाशी ली, मुंह भी बना के लेके गए, धमकी दे के गए कि तुम जो ठुआ लेंगे यहीं से ही, अन्य मेजबी को जरूर लाओ, मेजी के बगैर नहीं चलने का, काम करो, काम मत छोड़ो हमारे यहाँ से। ये बात है, जब मैंने मजबूरी में ये उठाई, में रांड बेवा, मैं इनके बाप नहीं भाई नहीं, बताओ हम 4 साल से काम कर रहे हैं इनके वहाँ, 1500 रुपये लड़की, 3,000 मेरे साथ, 1,000 रुपये महीने में हम काम कर रहे हैं, 2500 रुपये हमारा किराए का घर है और खाना वो हमें बासी दे दे और हम उनके यहाँ खा कर देते, इसमें हम गुजारा कर रहे हैं। कब से काम कर रहे हैं आप पर? हमें 4th साल चल रहा। अच्छा, 4th साल से ये कब से परेशानी हो रही थी आपके साथ? ये अभी अभी परेशानी करना चालू करी। अच्छा,
परेशानियां भी करना चालू करी। अब ज्यादा ही हो गई तो हमें लड़की को बर्दाश्त नहीं हुआ। लड़की मना करी तो मैंने कहा मैं कर लूंगी काम, में कपड़े धोती हूँ छत पे जहाँ से आपका कमरा है। अब लड़की को परेशान कर रहा, लड़की मेरी मर जाएगी तो मैं क्या करूंगी ये बताओ। तो अब आपको क्या लग रहा है, आपको जो आप किस लिए आप यहाँ पर आए, जो वकील साहब के पास आई है, किस लिए आई है? अपनी हिफाजत के लिए आए। अच्छा, हमारे हमें धमकी दे रहा है, हमें बुला रहा है, हम नहीं जाना चाह रहे। तो आपने किस किन अधिकारियों से जो शिकायत की है, क्या 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 कहा है आपने अधिकारियों से? मैंने अधिकारी को यही बताया जो आपको बता रहा। अच्छा, यही बताया आपने। चलिए, अब आप जो देख रहे हैं यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की सरकार चल रही है उत्तर प्रदेश में, इस तरह का जो हो रहा है, तो आप उनसे योगी जी से क्या अपील करेंगे अपने लिए, अपनी बेटी के लिए? इंसाफ मांगेंगे हम योगी जी से, हमारी बेटी के लिए इंसाफ दिलाओ। और ऐसे लोगों पे क्या कार्रवाई हो? कड़क से कड़क सजा होनी चाहिए इन शाही दखलाक परिवार पे। जी, हम घर से बेघर हो ही फिर रहे, हम दुबक दुबक के सोते फिर रहे, उनके डर के मारे हमें डरा रहे है। हम माँ बेटी रो रहा है, हाथ जोड़ रहा है, मैं कसम खा रही, एक बेटा मर गया, पांचों बच्चे और मर जाओ अगर हम कुछ ऐसा ना रहो, फिर भी वो हमें चैन नहीं लगने दे रहा। अजय, देखिए, ये एक जो विधवा औरत है यहाँ पर, उनके साथ एक उनकी बेटी है और उनको शाही दखलाक परिवार पूरी तरह से परेशान कर रहा है, उनके साथ गलत काम करने के लिए जबरन उन्हें कह रहा है और उन्हें बार बार धमकी दे रहा है, उनका शाही दखलाक का बेटा शुएब। अब देखते हैं कि इसमें जो पुलिस के पास भी गई है, आला अधिकारियों के पास भी गई है, वो क्या कार्रवाई करते हैं तो आने वाला समय ही बताएगा। देखते रहे जेबीएन टीवी से, राहुल द्वारा।